हे गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हो, घरों में मौज ले रहे हैं। तो आज की जर्नी हमारी होने वाली है 01888 ग्वालियर स्पेशल एक्सप्रेस, जो इटावा से 10:01 पर निकलती है और आपको ग्वालियर पहुंचाती है 1:45 पर। और इस ट्रेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इस ट्रेन का इटावा से लेकर ग्वालियर तक ऑलमोस्ट 15 हॉल्ट हैं। जी हाँ, इटावा से ग्वालियर तक इसका 15 हॉल्ट है। तो अभी दोस्त लोग के साथ मैं जा रहा हूँ, सभी के साथ ग्वालियर किला घूमने, ठीक है ना। तो मैं आपको पहली बता दूँ, वीडियो जो है वो पार्ट वाइज आएगी, ठीक है ना। ये पार्ट वन होगा, फिर वहाँ जो हम लोग घूमेंगे, जो भी हम लोग इन्जॉय करेंगे, पार्ट वाइज वीडियो आएगी। क्योंकि भाई देखो, चैनल अभी इतना ग्रो नहीं है, तो इतनी लॉन्ग वीडियो करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो मस्ती फुल, ठीक है ना, इस ब्लॉग के अंदर। एंड चलिए चलते हैं, ट्रेन का वेट करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इटावा से ये चलती है, पूरे सप्ताह ही चलती है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ट्रेन का करेंगे वेट, ठीक है ना, ट्रेन आएगी चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। और ये इटावा से लेकर आपकी ग्वालियर तक डिस्टेंस कवर करती है 3 घंटे 12 मिनट, ठीक है ना। और ये इसका टाइमिंग जो था 10:01 का, यहाँ पे इटावा जंक्शन से है। और ग्वालियर इसके पहुँचने का टाइम है आपका 1:45 पर, ठीक है ना। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है इस टाइम गोमती एक्सप्रेस। तो ये अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है गोमती एक्सप्रेस। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, अगर आप इटावा से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही इस ट्रेन को दिया जाता है, क्योंकि यहीं से ये ट्रेन 10:01 के चलती है, ठीक है ना। तो अभी ये ट्रेन आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं आई है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, वहाँ पर हम लोग को किला भी घूमना है और टाइमिंग इसके पहुँचने का टाइम है 1:45 का। देखते हैं कैसा क्या है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आएगी, ठीक है ना। देखते हैं कैसा क्या है, वेट है उस ट्रेन का, ठीक है ना। दिक्कत ना हो, वरना फिर किला घूमने में फिर मुश्किल होगा। ये देखो कैसे लोग ही मरते हैं जल्दी। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है हमारी न्यू दिल्ली टू लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। सभी ट्रेन है भाई, आके जा भी रही हैं, लेकिन यही ट्रेन नहीं आ रही है, आई डोंट नो क्या। तो अभी आपने देखा गोमती एक्सप्रेस का इटावा से डिपार्चर। तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है 12480 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। अगर आपने वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको व्लॉग मिल जाएगा, तो उस व्लॉग को आप फुल देख सकते हैं, इटावा टू लखनऊ, ठीक है ना। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है हमारी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है हमारी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली टू लखनऊ जंक्शन दी एक्सप्रेस। इसमें गाजियाबाद का लोकोमोटिव दिया गया है। भाई सब ट्रेनें आकर जा भी रही हैं, लेकिन अपने ग्वालियर स्पेशल ट्रेन अभी तक एक प्लेटफॉर्म नंबर पर नहीं लगी है। जा इस ट्रेन के लिए देखिए कितनी भीड़ है इस प्लेटफॉर्म नंबर पर, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। अभी हमने पूछताछ पर पूछा कि कैसा क्या है, ट्रेन को क्यों नहीं लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो भैया बता रहे हैं कि अभी वो उदी मोड़ साइड खड़ी हुई है, आई डोंट नो किसी रीज़न के चक्कर में ये ट्रेन नहीं आ पा रही यहाँ तक। अब देखते हैं कितना टाइम क्या लगता है, बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए चलते हैं, दोस्तों से थोड़ा बातचीत करते हैं। अब क्या बताएं, ट्रेन लेट है, तो अब क्या कर सकते हैं, बस घूम लें ग्वालियर किला। ग्वालियर स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर पर 1 पर फाइनली आ चुकी है। WAP-5 का लोकोमोटिव दिया गया है। अब ये यहीं रुक जाएगी, अब इस इंजन को यहाँ से खोला जाएगा। इंडियंस रेलवेज के साथ तो चलिए चलते हैं, अपने सीट घेरते हैं, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। अभी इस ट्रेन का इस इंजन को खोला जाएगा, ठीक है ना। फिर ये इंजन बैक होकर फिर ये पीछे साइड लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर दिया जाएगा। अपनी आ चुकी है ग्वालियर स्पेशल ट्रेन, जिसमें WAP-5 का लोकोमोटिव दिया गया, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है ट्रेन की जर्नी कर रहे हो और आपको लोकोमोटिव ना दिखाया जाए, तो इसमें दिया गया है WAP-5 का लोकोमोटिव, ठीक है ना। अभी ये लोकोमोटिव यहाँ से खुलेगा, ठीक है ना, फिर यहाँ से बैक होते हुए आगे से फिर ये पीछे की साइड लगने वाला है, ठीक है ना। इसमें WAP-5 का लोकोमोटिव दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है ना। आपको स्टेशन वाइज बढ़िया व्यूज़ एंड बढ़िया आपको एक्सपीरियंस कराएंगे, ठीक है ना, बने रहे वीडियो के एंड तक। स्पेशल ट्रेन से कितनी भीड़ निकली है अभी, ठीक है ना। अभी इस ट्रेन तो अब ये
वहाँ से इसको हटा दिया गया है। अब ये ट्रेन, अब ये लोकोमोटिव जो है हमारा वेव 5, वहाँ से बैक होकर अब ये इसमें पीछे की साइड लगने वाला है। ये देखिए, भीड़ देखिए इस ग्वालियर स्पेशल ट्रेन की, ठीक है ना। इस ट्रेन का यहाँ से ऑलमोस्ट चलने का टाइम था 10:01 का, तो अभी बज रहे हैं 10:10। तो अभी लोकोमोटिव आपने देखा कि अभी यहाँ से निकला है, अब ये बैक होते हुए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से होते हुए ये हमारा पीछे साइड लगेगा, जो हम लोग को ग्वालियर तक लेके जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं लोकोमोटिव जल्दी से आए फिर लगे, फिर यह ट्रेन का यहाँ से इटावा से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यहाँ से डिपार्चर होगा, ठीक है ना। बने रहे वीडियो के एंड तक, देखते हैं कैसा क्या है। और इसके कोचेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 15 जनरल बोगी दी गई हैं, ठीक है ना। आपको मैं पहले बता देता हूं, अगर आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन टिकट भी अवेलेबल है, बट आप स्टेशन के बाहर से भी टिकट ले सकते हैं। और इटावा से इसका ग्वालियर का फुल जो टिकट है मुझे पड़ा है, बड़ा है 60 रुपीज़, ठीक है ना, 60 रुपये इसका पड़ा है। तो अभी लोकोमोटिव भी वहाँ से अभी मुड़कर नहीं आया है, देखते हैं। बढ़िया बढ़िया आपको व्यूज़ दिखाएंगे, व्यू दिखाएंगे, जमुना जी की नदी दिखाएंगे, ठीक है ना, बढ़िया हर स्टेशन का आपको नज़ारा दिखाएंगे। बने रहे वीडियो के एंड तक। तो ये देख सकते हैं वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ये हटा था हमारा, और ये लोकोमोटिव अब ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ये हमारे उल्टे साइड ये अब लगेगा। ये हमारे लोको पायलट साहब ट्रेन के पार्ट चेक करते हुए, ठीक है ना। ये देखिए मोड़कर ये वेव 5 लोकोमोटिव आ चुका है, इंडियन लोकोमोटिव भाई, जय हिंद जय भारत। अब ये लोकोमोटिव लगेगा हमारा बैक साइड में, अब ये कनेक्टेड होगा आपका उस पीछे साइड से, फिर ये हमारी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर दिया जाएगा। तो इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर का टाइम था ऑलमोस्ट 10:00, ठीक है ना। अभी बज रहे हैं 10:25, तो देखते हैं डिपार्चर कितनी देर में होता है। इंजन हमारा लग चुका है आगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कितना क्या टाइमिंग है। तो बस ग्वालियर किला जो मेन घूमने का मकसद है वो पूरा हो जाए, एंड देखते हैं कैसा क्या है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ग्वालियर स्पेशल ट्रेन का डिपार्चर होता हुआ इटावा जंक्शन से, ठीक है ना। तो आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाएंगे इस ब्लॉग के अंदर, एंड वीडियो के एंड तक बने रहें। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ग्वालियर स्पेशल ट्रेन का डिपार्चर होता हुआ, कितने बजे तक हम लोग ग्वालियर पहुँचें एंड कब कैसे कहाँ क्या घूमना हो, तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ग्वालियर स्पेशल ट्रेन का डिपार्चर होता हुआ। एंड आपको इसकी ऑपरेटिंग स्पीड भी मैं बता देता हूँ, इसकी ऑपरेटिंग स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड इसकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड डिपार्चर होता हुआ इटावा से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। रूट देख सकते हैं, ये गया हमारा न्यू दिल्ली, ठीक है ना। और ये हमारी ग्वालियर साइड की ओर मुड़ गई है हमारी ग्वालियर स्पेशल एक्सप्रेस। बढ़िया बढ़िया आपको व्यू दिखाएंगे, ये हमारी न्यू दिल्ली की लाइन हमारे सीधे हाथ की साइड मुड़ चुकी है।
आप हैं मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ और हम दोनों हैं हैशटैग इंडियन रेलवेज के साथ। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं ऊदी मोड़। तो बढ़िया सिंगल लाइन है, ठीक है ना, ये आप जितने भी देख रहे हैं ये सिंगल लाइन है, ठीक ना। और बढ़िया बढ़िया आपको नज़ारे दिखाएंगे, व्यू दिखाएंगे, ठीक है ना। बने रहे वीडियो के एंड तक। 25 किलोमीटर कवर करने के बाद इस ट्रेन का पहला हॉल्ट है ऊदी मोड़, जिसका स्टेशन कोड है UDMR, ठीक है ना। तो ये हमारी ये इटावा से लेकर जितने भी ग्वालियर का जितना भी रूट गया ये सिंगल लाइन, ठीक है ना। तो और इसकी ट्रेन की मैं बात कर लेता हूँ, इसकी ऑपरेटिंग स्पीड है 60 मतलब कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऊदी मोड़, तो इस ट्रेन का ये थोड़ी देर के लिए केवल रुकी थी शायद ऊदी मोड़, जिसका स्टेशन कोड है UDMR। तो चलते हैं इसका। तो एक मिनट हॉल्ट के बाद ऊदी मोड़ से हमारी ट्रेन निकलती है। इसका जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है फूंक, जो पड़ता है हमारा MP के साइड। तो अभी हम लोग भी वैसे भी MP के साइड ही हैं। तो डिपार्चर होता हुआ हमारा ऊदी मोड़ से। अरे रुको रुको रुको, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो भाई देखो, पार्ट वन में इतना ही था, क्योंकि भाई देखो वीडियो काफ़ी लंबी जा रही थी, 22 से 25 मिनट की जा रही थी कम से कम। तो अभी चैनल इतना ग्रो किया नहीं है, तो मैं इतनी लंबी लॉन्ग वीडियो नहीं डाल सकता हूँ। तो अभी ये तो शुरुआत है भाई ग्वालियर ट्रिप की ट्रेन से। आगे आगे देखो भाई, फुल मस्ती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्जॉय इट।